हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज की डेट है 11 मई और मैं लिविंग रूम से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ पता है? क्योंकि कल मैं आपको दिखा नहीं पाई थी जो पर्दे वगैरह वॉश किए थे और ये सारी चीज़ें जो वॉश की थी, तो मैं आपको सेट करने के बाद दिखाई नहीं पाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल तूफान वगैरह आया था, तो इसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लाइट भी चली गई थी। तो इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ना गाड़ी बाहर निकाली थी, तो क्योंकि कल इतना तूफान आने के बाद ना गाड़ी का कवर उड़ गया था। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तूफान बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से कुछ भी चीज़ें रुक नहीं रही थी घर पर। गाड़ी मेरा छोटी गाड़ी का टू व्हीलर का भी कवर उड़ गया था और बड़ी गाड़ी का भी कवर उड़ गया था, तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा धूल बैठ गई थी इस पर कि इनको वॉश करनी पड़ी गाड़ी दोबारा से, और दोबारा से इस पर कवर चढ़ा के रख दिया है इन्होंने। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और आने वाली हूँ चाय। तो एक्चुअली शाम का टाइम था और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैंने इससे पहले भी शाम को चाय पी थी, मतलब जब सो के उठी थी उस टाइम चाय पी थी एक्चुअली। बट क्या हुआ था कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा था पीने का, तो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए भी बना के दो और आप भी आपके लिए बनाओ, तो हम दोनों के लिए मैंने यहाँ पर चाय रखी है और वो भी अदरक वाली। तो आप लोगों को सभी को पता है अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से यहाँ पर बन रही है हम दोनों के लिए अदरक वाली चाय। तो गर्मा गर्म चाय यहाँ पे बन रही है शाम की, और बस चाय ले लेंगे हम दोनों और उसके बाद मैं डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। और हाँ, किस किस का रूटीन मेरे जैसा है आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, हमारा ऐसा ही होता है। आप तो लोग तो देखते ही हो मेरा रूटीन कैसा है। तो शाम का होता है ऐसे ही चाय वगैरह पीते हैं, और ये आज टोस्ट लेके आए थे एक्चुअली, टोस्ट ख़त्म हो गए थे बाकी के घर के, तो इसी वजह से इनको बोला था, तो ये मतलब थोड़ा सा अलग ही टोस्ट लेके आए थे। तो मैंने इनको बोला कि ये कौन से टोस्ट लेके आए हो आप, तो बोले जब अभी जो मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि बाकी की चीज़ें तो जो मतलब हम लोग खाते हैं हमेशा, तो वो तो चीज़ें नहीं मिल रही है एक्चुअली जहाँ पर भी ये जा रहा है। और आप लोगों को सभी को पता है कि ये जब ड्यूटी जाते हैं तभी सारी चीज़ें लेके आते हैं, मतलब ड्यूटी आने के टाइम तो सारी चीज़ें बंद हो जाती है, मतलब शॉप वगैरह बंद हो जाती है, तो जब जाते हैं तो उसी टाइम लेके जाते हैं, ड्यूटी पर रखते हैं और उसके बाद वो लेके आते हैं। तो वैसा हो रहा है इनके साथ, मतलब जब शॉप ओपन रहती है ना तो उस टाइम ये ना वो नहीं कर सकते, मतलब ले नहीं सकते, तो इनकी ड्यूटी उस टाइम रहती है, तो इसी वजह से। तो फिर तो मैं तो बाहर निकली नहीं हूँ दो दो महीने, तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो मैं मेन गेट के बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो इसी वजह से मैं तो बाहर जाने से डर रही हूँ। बट ये लाते हैं तो उसी में काम चलाना पड़ रहा है जो भी ला रहा है वो। तो अभी ये वाला टोस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो टोस्ट। ये बोल रहे थे कि जहाँ से मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक ही शॉप है और वो वाली शॉप, मतलब उस वाली शॉप में जो मिलता है वो मैं लेके आता हूँ, तो इसी वजह से ना ऐसी चीज़ें लेनी पड़ रही है आजकल, जो मतलब मन भी नहीं करता है जिसको खाने का वो भी चीज़ें लेनी पड़ रही है आजकल। तो यहाँ पर ना यहाँ शाम का जो मैं कुछ ना कुछ बना के देती हूँ बच्चों को, तो आज ये बोल रहे थे कि मैं नमकीन बना के दे देता हूँ बच्चों को, तो ये बना रहे थे मतलब नमकीन, तो इन्होंने ना पीले मुरमुरे बनाए थे, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत चाव से खाते हैं बच्चे ये पीले मुरमुरे। और इसमें थोड़ा सा हल्दी और ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड करके ये मुरमुरे भून लिए थे, और फिर उसके बाद ये जो नमकीन है उसमें ऐड करेंगे और बस हो गया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यही बच्चे बहुत बहुत पसंद आते हैं बच्चों को ये, तो ऐसे ही हम लोग कभी कभी बना देते हैं, तो ये ज़्यादातर यही बनाते हैं क्योंकि इनको भी बहुत अच्छे से आता है ये, तो बोल रहे थे कि मैं ही बना के देता हूँ क्योंकि मुझे आज ना बच्चों ने बोला ही नहीं, तो बहुत लेट हो गया था, तो इसी वजह से मुझे आज बच्चों ने बोला नहीं कि कुछ खाने के लिए चाहिए, इनको बोला तो ये बोल रहे थे कि ठीक है मैं बना के देता हूँ। तो ये ऐसे कुछ बना के दे देते हैं क्योंकि इनको इतना वो नहीं है कि आइडिया, इन्हें ना सब्जियाँ वगैरह बहुत अच्छी आती है बनाना, मतलब वो इंटरेस्ट से बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना इतना आता नहीं है, मतलब जेंट्स लोगों को इतना कहाँ आता है यार, फिर भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं बच्चों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर गई और बच्चे भूखे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बना के दे ही देंगे बच्चों को वो। और वैसे माही भी बहुत कुछ सीख गई है बनाना, तो माही को भी इंटरेस्ट है, उसके पापा के जैसे सेम उसको इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली ना उसके पापा जो भी करते हैं वो बिल्कुल ध्यान दे के देखती है और वही ना मतलब फॉलो करती है वो, तो इसी वजह से उसको भी इंटरेस्ट आने लगा है, जो जो चीज़ें उसके पापा को पसंद है ना वो बिल्कुल डुप्लीकेट है उसके पापा की, और वही चीज़ें उसके उसको भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब जैसे कि कुछ बनाना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना और क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें उसको भी पसंद है, तो इसीलिए ना उनकी मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल
मिल जाती है। आपने देखा होगा कि माही भी कुछ ना कुछ करती रहती है, उसके पापा भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे इसी तरह से छोटी मोटी क्यों ना सही मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है मुझे उन दोनों की, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार हेल्प कर दी इन्होंने मेरी। तो जैसे मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ तो वो चॉपिंग वगैरह कर देते हैं, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन में तो सारे हस्बैंड कर ही रहे होंगे, बट ये तो हमेशा ही करते हैं, लॉकडाउन हो या ना हो, ये ड्यूटी से आने के बाद भी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही देते हैं मेरी। बट सबसे काम बढ़ाने वाला मेरे घर पे है तो वो है अद्विक, मतलब सभी के काम वो अकेला बढ़ा के रख देता है, सभी के काम मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं उसको दुगना बढ़ाने वाला एक ही है, वो है अद्विक। तो बेचारा वो भी क्या कर सकता है, वो खेलेगा तो काम बढ़ ही जाता है, जैसे खिलौने वगैरह निकालता है तो ये वो, उससे ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि हमें दोबारा से वो खिलौने रखो, पहले साफ़ सफाई के टाइम पे सुबह खिलौने वगैरह रख देते हैं, वो बार बार निकालता है। उसके बाद अभी उसको ना मैंने सिखाया है खिलौने वगैरह रखना, तो अभी तब से क्या कर रहा है कि खिलौने वगैरह रख रहा है खुद से अपने, नहीं तो पहले तो पूरे घर में खिलौने बिखर देता था और फिर वो मुझे एक डिब्बे में रखने पड़ते थे, बार बार वही करना पड़ता था, तो इसीलिए ना वो हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता था। बट वो भी क्या कर सकता है, अभी बाहर भी नहीं जाने दे रहे हम लोग, बच्चों को तो घर में ही रहना पड़ेगा ना, तो वो तो करेंगे ही उतना, बट ना हो जाता है यार इतनी सारी क्लीनिंग और ये वो, तो थोड़ा सा ना हेडेक हो जाता है सुबह सुबह, तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर सुबह व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो आज तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्लीनिंग 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 ही थी दिन भर, और बर्तन भी बहुत सारे पड़े थे मतलब सिंक में जो लंच के पड़े थे, तो हम लोग सो गए थे फिर लंच के बर्तन वैसे ही पड़े थे, तो मैंने वो भी लगे हाथ वॉश कर लिए। अभी बज रहा है शाम के 8:30 और मैं बनाने वाली हूँ डिनर। एक्चुअली आज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग करनी पड़ी यार, मतलब इतनी ज़्यादा कि आपको क्या बताओ, सारी धूल मिट्टी जम गई थी पूरी घर में, इतनी बारीक बारीक से धूल। आपको अगर आप महाराष्ट्र से हो गए तो यहाँ पर तो सारी जगह तूफान आया ही है, तो आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा धूल थी आज घर में कि जैसे ही उठी मैं, मुझे क्लीनिंग में ही लगना पड़ा और इतनी ज़्यादा थक गई मैं आज कि आपको क्या बता। जो ग्रेनाइट हमने लगाया है वो पूरा ब्लैक ही लगाया है, जैसे किचन के स्लैब पे या सीढ़ियों पे सारा ब्लैक ब्लैक ही है, उस पर ना इतनी जल्दी धूल दिखती है कि आपको क्या बताओ। एक दिन भी सीढ़ियाँ क्लीन नहीं करूँ ना तो धूल ही धूल दिखती है वहाँ पे, और कल तो तूफान की वजह से इतनी ज़्यादा ऊपर का भी क्लीन करना पड़ा, गैलरी भी क्लीन करनी पड़ी, सारा कुछ क्लीन करना पड़ा। और मैं सोच रही थी कि क्लीनिंग का ब्लॉग बनाऊँ, बट मुझे ना मुझे भी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि क्लीनिंग का ब्लॉग मैं बना सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ब्लॉग बनाने के कैमरा सेट करना पड़ता है, हर जगह वो देखना पड़ता है आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम था कि उसमें वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और हो ही नहीं सकता था मुझसे, तो इसीलिए मैं बिल्कुल वो शूट नहीं कर पाई कुछ भी। और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो जाए पूरी घर की और जल्दी से क्लीन दिखे घर मेरा, और इतनी ज़्यादा भारी भारी फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रही गई है, बट इतना ज़्यादा यार यार दिवाली जैसा हो गया था कल, मतलब आज की क्लीनिंग तो मुझे लगता है कि दिवाली जैसी हो गई थी कि एक एक चीज़ मुझे क्लीन करनी पड़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर ये जो विंडो है वो भी ओपन थी पूरी, यहाँ पर किचन में भी धूल जम गई थी, हॉल में भी धूल जम गई थी, जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल थी, तो वो बारीक धूल क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर लंच सिंपल सा बनाया मैंने, तो उसके बाद हम लोग फिर सो गए अच्छे से, तो थकावट की वजह से ना इतनी ज़्यादा नींद अच्छे से आ गई, किसी वजह से बहुत लेट हो गया और अभी 8:30 बज गए हैं, मतलब 9:45 ही बजने वाले हैं, तो अभी डिनर की तैयारी करने वाली हूँ मैं। डिनर में बनने वाला है आज सोयाबीन कोफ्ता करी, तो चलिए फिर उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, तो चलिए देख लीजिए आप रेसिपी उसकी, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो गाइस सबसे पहले इसमें लगेगा हमें सोयाबीन बड़ी, जो मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, आधा घंटा तो हो ही गया था उसे भिगोए हुए। उसके बाद यहाँ पर लगेगा हमें लहसुन और हरी मिर्च, तो ये आप सभी को पता है कि लाल हो गई थी हरी मिर्च, तो इसी वजह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने लाई ही नहीं फिर उसके बाद, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यही यूज़ करना पड़ेगा, तो इसे ही यूज़ कर ले रही हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगी तब ये लाएंगे, तो उसके बाद फिर हरी मिर्च, अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि डिब्बे में रखनी चाहिए, तो अभी वैसे ट्राई करूँगी। एक्चुअली मेरे पास है डिब्बा, तो एक कंटेनर है प्लास्टिक का, तो उसमें ना छेद छेद है, वैसे ही मैं उसमें रखती हूँ, तो बट वो ना फिर भी रेड हो गई यार, तो अभी
जैसे आप लोगों ने बताया वैसे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन बड़ी जो भिगो के रख दी थी, तो वो सबसे पहले उसका पानी निचोड़ लेना है आपको, सारा पानी निचोड़ लेना है, नहीं तो उसके जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से बनेंगे नहीं। और फिर उसमें ना लहसुन और ये क्या बोलते हैं आपको हरी मिर्च डाल देनी है, और उसके बाद अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता भी ऐड कर देना है उसमें। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था यार, इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है कि अभी सब्जियों में ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सब्जियां है उसे में काम चलाना पड़ रहा है तो जो है वो। और हाँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई सब्जी है नहीं घर पे और कुछ बनाना है अच्छा सा, तो ये वाली रेसिपी आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है, आप लोगों के घर में सभी को पसंद आएगी ऐसी ये वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है, एक बार बना के ज़रूर देखना। तो मैं जैसे ही कि आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बड़िया लेनी है आपको, सारा इसका जो पानी है वो स्विच कर लेना है। मेरे यहाँ पे जो छोटा पॉट था उसी में मैं बना रही हूँ, और जो बड़ा पॉट है, अगर आपके पास बड़ा पॉट है, मैं एक्चुअली ये वाला जो है इसमें मैंने वो पीसा था क्या बोलते हैं तो प्याज और क्या बोलते हैं टोमेटो का पेस्ट निकाला था, तो इसी वजह से मैंने ये वाला ही ले लिया। अगर बड़ा लेना हो तो बड़ा ले सकते हो। तो इसमें ना पूरा जो है बढ़िया मैंने जो क्रश कर ली है, मतलब इसे ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है इसमें आपको। और उसके बाद आपको इसमें ना मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि नमक और लाल मिर्च हो गई, और फिर क्या बोलते हैं बेसन हो गया। तो पहले बेसन ऐड कर देना है आपको, यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। तो एक्चुअली बेसन जो है वो आपको आपके अकॉर्डिंग ऐड करना है, जितनी आप ये लेते हो मतलब सोयाबीन बड़ी लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, मतलब आप समझ जाओगे। अगर आपको कम पड़ता है तो उसके बाद आप डाल सकते हो, कोफ्ते बनने चाहिए उसके, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, और उसके बाद ऐड किया है नमक, नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अगर धनिया है आपके पास, मतलब हरा धनिया, तो हरा धनिया भी मिक्स कर देना है आपको, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके टेस्ट बहुत अच्छे आती है यार, ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये ना मतलब वेज वाला एग ही हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, जैसे कि क्या बोलते हैं तो अपने सोयाबीन बड़ी में, और उसमें भी प्रोटीन रहता है एग में, तो ये ना वेज एग ही हो गए। आप देख लेना बाद में जब मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी, उसके बाद वो एग जैसे ही दिखेंगे, और जब मैं ये इसकी करी वगैरह बनाऊँगी ना तो वो एग करी जैसे ही दिखने लगेगी। तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मतलब एग वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है इससे, तो उनके लिए ये प्रोटीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, और एग का भी मज़ा आ जाता है, जैसे वेज एग ही बोल सकते हो आप इसे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं कोफ्ते बना लूँगी, अच्छे से लंबे लंबे हाथों से गोले बना लूँगी इस तरह से, जैसे एग होते हैं वैसे उसी शेप में, ओवल शेप में। उसके बाद यहाँ पर प्याज का पेस्ट निकाल के रखा है मैंने, और उसके बाद मैंने वहाँ पर टोमेटो का भी पेस्ट निकाल के रखा है। तो बस कढ़ाई में तेल चढ़ा दूंगी, और इसे तेल गर्म हो जाने के बाद कोफ्ते फ्राई कर लूंगी। एक्चुअली ना ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं आपको कोफ्ते, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई कर लोगे तो ये ऊपर का कवर इसका पक जाएगा और अंदर से कोफ्ते कच्चे रहेंगे। तो इसीलिए कोफ्ते हमेशा ट्राई करना कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिए, क्योंकि वो अंदर तक पक जाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर ऊपर से भी आएगा, जलेंगे नहीं और अंदर तक ये पकेंगे। तो जब तक आप मीडियम फ्लेम पे पकाते हो इसे, तो पलटाते रहना ऐसे ही जैसे मैं पलटाते रह रही हूँ, तो एक साइड से नहीं पकेंगे, हर साइड से सेम पकेंगे और सेम फ्लेम उसको मिलेगी। तो इसी तरह से थोड़ा सा मेहनत लगती है कोफ्ते फ्राई करने में, बट जब बनते हैं कोफ्ते तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए ना थोड़े थोड़े आपको पलटाते रहना है, हमेशा हमेशा रहना इसे। मैंने ये ट्रिक आपको बता दी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फिर कोफ्ते फ्राई करने के टाइम एक तरफ से होने देते हैं, फिर उसके बाद वो एक तरफ से जल जाते हैं थोड़े से, फिर दूसरी तरफ से पलटाते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। जिस तरह से अगर आप हमेशा हमेशा पलटाते रहते हो तो वो जो टेस्ट उसका बरकरार रहता है उसकी वजह से, और अंदर तक पक जाते हैं ये। तो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मैं बार बार इसी वजह से बता रही हूँ आपको, क्योंकि अंदर से कच्चे रहेंगे फिर अगर आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करोगे तो। और यहाँ पर फ्राई हो गए थे कोफ्ते, और आप देख सकते हो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है कोफ्तों को। तो अभी इसे मैं निकाल लूँगी, और बिल्कुल जैसे हम लोग एग फ्राई करते हैं उसी तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेज एग ही है। तो बस इस तरह से जो बाकी के कोफ्ते हैं वो मैं अभी फ्राई कर लूँगी। और हाँ, मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ये रख दूँगी बाद में,
मतलब आप बना के भी रख सकते हो कोफ्ते, अगर करी नहीं बनानी हो इतनी ज़्यादा तो आप बना के रख सकते हो, जब आपको करी बनानी है उसके बाद करी में ऐड कर सकते हो वो। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़े से ज़्यादा इसी वजह से बना के रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें से बच जाएंगे, तो मैं करी में आधे अभी डालूँगी और बाद में करी में डालूँगी आधे। तो करी ना थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने सारे ऐड कर दिए। अभी ये ही हमारा कल का लंच होगा। एक्चुअली कल के लंच का टेंशन मेरा आज ही ख़त्म हो गया था, मैंने कल के लंच के लिए ही एक्चुअली बनाया था ज़्यादा। मैंने सोचा था कि कल करी अलग से बनाऊंगी और उसमें ये डाल दूंगी, बट करी आज ही ज़्यादा बन गई तो कल का लंच का टेंशन ही ख़त्म हो गया। मतलब कल के लंच की यही सब्जी होगी कल के लंच के लिए। तो बस यहाँ पर फिर ऑयल जो है वो ज़्यादा हो गया था कढ़ाई में, तो इसी ऑयल में मैं करी बनाऊंगी अपनी। तो यहाँ पर मेरे कोफ्ते फ्राई होके रेडी है, अभी जो ऑयल बचा है वो मैं इसमें का निकाल लूँगी बाकी का, और जो अभी है उसमें तो उसी में मैं करी बना लूँगी। एक्चुअली मैंने ऑयल जो है आप देख सकते हो साइड में मैंने छाना था, वो जो मैंने जिसमें ये कोफ्ते फ्राई किए थे छान लिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हो ही जाता है जब भी आप कुछ फ्राई करते हो तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्लैक ब्लैक उसमें वो कन दिख ही जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने छान लिया था वो, फिर उसे रीयूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले डाल दिया था प्याज का पेस्ट और उसे अच्छे से होने दिया था, तेल छोड़ने लगा था वो। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से चला लूँगी तब तक ये तेल नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मसाला जो है वो भून चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ उसमें क्या बोलते हैं टोमेटो का पेस्ट, इसे भी अच्छे से चला लेना है आपको ताकि ये तेल छोड़ने लगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा मसाला भून के रेडी है और आप देख सकते हो तेल छोड़ने लगा है। तो इसी तरह से आपको भूनना है, जब तक आप अच्छे से मसाला नहीं भूनते हो ना तब तक आपके करी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने उसमें ऐड किया है हल्दी, नमक और क्या बोलते हैं उसमें गरम मसाला, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे और उसके बाद भून लूँगी अच्छे से। और उसके बाद ये यहाँ पर मैं कौन सा पाउडर ऐड कर रही हूँ पता है, ये है और प्याज लहसुन का मसाला, ये यहाँ पर ही मिलता है हमारे महाराष्ट्र में। एक्चुअली पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलता है, हम लोग यूपी वगैरह में तो वहाँ पर मिलता नहीं था ये, तो हमें यहाँ से महाराष्ट्र से लेके जाना पड़ता था ये प्याज लहसुन मसाला। तो मुझे लगता है ये प्याज लहसुन का मसाला यहाँ पर ही मिलता है, मतलब ड्राई वाला मसाला होता है, तो इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है ग्रेवी का। तो ये वाला मैंने किया है और उसके बाद उस मसालों को अच्छे से भून लिया था मैंने। उसके बाद ना यहाँ पर पानी गरम किया था और वो गरम पानी मैंने उसमें ऐड किया है। जब भी आप करी बनाते हो ना कोई भी, तो गरम पानी ही ऐड किया करो, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने नमक ऐड किया था, एक्चुअली कोफ्तों में भी हमने नमक ऐड किया था, तो थोड़ा सा ध्यान से नमक आपको ऐड करना है। और जब पानी को बॉयल आ जाए, मतलब आपकी ग्रेवी को बॉयल आ जाए, उसके बाद आपको सारे कोफ्ते उसमें ऐड करने हैं। और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे किसी को गाढ़ा पसंद है, किसी को पतला पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। और ना इसे 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है कोफ्तों के साथ। 5 मिनट तक अगर पकाते हो तो उसमें कोफ्ते के अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, मतलब ग्रेवी जाएगी और कोफ्ते अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कोफ्ता करी रेडी है, मतलब सोयाबीन कोफ्ता करी। और जैसे इसे आप नान वगैरह के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, मतलब रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आने वाली है ये वाली रेसिपी। ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और आपके हस्बैंड अगर मतलब इस तरह से करी लवर है तो आपके हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, एक बार ज़रूर ट्राई करना ये। और इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है, मतलब जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। मतलब कोई कोई रेसिपी होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, बट ये वाली रेसिपी इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इसी वजह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पर हम लोग ना इस टाइम क्या करते हैं, डिनर हम लोग हॉल में ही करते हैं ज़्यादातर, लिविंग रूम में ही हमारा डिनर होता है, क्योंकि यहाँ पर टीवी वगैरह चलती रहती है, न्यूज़ वगैरह हम लोग देखते रहते हैं इस टाइम, तो हमारा डिनर इसी जगह पर हम लोग करते हैं। और अद्विक ना बिल्कुल मेरे हाथों से नहीं खाता है, आप लोग देखते होंगे हमेशा कि अद्विक को उसके पापा ही खिलाते हैं, अद्विक हमेशा उसके पापा के हाथों से ही खाना खाता है। जब सुबह नहीं रहता है ये ना, जब ड्यूटी जाते हैं तब उसको ऑप्शन नहीं रहता है, तब मेरे हाथों से खा लेता है, बट जब ये आ जाते हैं ना उसके बाद, तो फिर उसके पापा के हाथों से चाहिए उसे सब कुछ, जो भी करना हो उसके पापा के हाथों से चाहिए होता है। तो वो उसके बाद तो मेरा बिल्कुल नहीं, मतलब
मेरे पास भी नहीं आता है वो तो वो मतलब भी है थोड़ा सा, मतलब वो क्या होता है कि उसका बच्चों का कैसे होता है, जब तक मम्मा है तब तक मम्मा से करवा लो काम, और जब फिर पापा आ जाए फिर पापा से करवा लो, तो होता है। चलो अच्छा है, मेरा भी थोड़ा सा टेंशन दूर हो जाता है, उसके पापा आते हैं तो उसके पापा के पास रहता है वो। तो चलिए फिर यहाँ पर डिनर कर लेंगे और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो नाम लेने का टाइम आ गया है, तो पहला नाम है तन्वी रावल ने रिक्वेस्ट की थी उनका और उनके हस्बैंड का नाम लेने के लिए, तो उनके हस्बैंड का नाम है राज और उनका नाम है तन्वी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और हाँ आपकी जो इच्छाएं है वो सारी पूरी हो, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और सेकेंड नाम है फैजा जी ने रिक्वेस्ट की थी उनके बेटे का और उनका नाम लेने के लिए, तो उनका नाम है फैजा और उनके बेटे का नाम है हशीर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और आप भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जो भी चाहो आपको मिल जाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा, इस ब्लॉग पे आप कमेंट कर सकते हो, मैंने इस ब्लॉग में आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा, उससे क्या होगा कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। फिर बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।